हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। तो गाइस, आप देख रहे हो एक एस्पायर्ड गेमिंग और मेरा नाम है अक्षय। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक मतलब मैच खेलते खेलते एक आपको वो क्या नाम है, ग्लास का ऐसा कुछ मिलेगा, क्या कह सकते हैं यार उसको, ऐसा कुछ मिलेगा जिसको आपको तोड़ना पड़ेगा। मैं अभी तो क्लासिक खेला हूँ तो मैं उसमें कलेक्ट किया हूँ 5 ठो। तो जब उसको आप तोड़ दोगे तो वहाँ से आपको 5 ठो FF गिफ्ट बॉक्स मिलेगा। तो वो गिफ्ट बॉक्स आपका मैं बताता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पर मैं चला जाऊँगा वाल्ट में, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा अदर में। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा FF गिफ्ट बॉक्स। तो गाइज, ये मतलब अगर आप यहाँ से एक्सचेंज पर क्लिक करोगे, ये देख सकते हो, अगर यहाँ से आप एक्सचेंज पर क्लिक करोगे तो ये तुरंत आपको यहाँ पर भेजेगा, ये देखो। और उसके बाद एक टोस्ट आएगा, ये देखो इवेंट। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ से आप जैसे इस पे एक्सचेंज पे क्लिक किए तो यहाँ ऊपर आपको एक टोस्ट दिखाई देगा। मैं बताता हूँ आपको, तो ये देखो गाइस, एक्सचेंज इवेंट इंडेड कुछ इस तरह से देता है ये, जो ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। मैं आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से क्लिक किया एक्सचेंज पे, उसके बाद ये देखो एक्सचेंज इवेंट इंडेड। तो गाइस ये इस तरह से दिखाता है। तो यहाँ पर आप पूरा चेक कर डालो, कहीं पर भी आपको उसको एक्सचेंज करने का नहीं मिलेगा। तो गाइस, ये फ्री फायर की सबसे बड़ी और सबसे बेकार चीज़ है ये। इसको फ्री फायर को फिक्स करना चाहिए, क्योंकि गाइस पहले जब मुझे भी पता नहीं होता था तो ये देखो कितनी सारी चीज़ें बची हैं मेरे पास। ये देखो स्कूल का ये खोपड़ी, और उसके बाद ये देख सकते हो सिल्वर कास्ट्यूम टोकन, ये सब चीज़ें देख रहे हो। ये सब मैं यहाँ से एक्सचेंज नहीं कर पाया हूँ गाइस, क्योंकि पता ही नहीं था पहले। तो अभी आपको बताता हूँ मैं ये है क्या और किस काम में आने वाला है। तो देखो, यहाँ से आपको बैग आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है कैलेंडर पर, उसके बाद आ जाना है न्यू पैच कास्ट्यूम पे, ये रहा सेकंड ऑप्शन है ये। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको दिखेगा सेकंड नंबर पर गैदर पैच एनर्जी, ये देख सकते हो, ये देखो इसका नाम है गैदर एनर्जी, यही इसका नाम, ये देख सकते हो। ऐसा कुछ मिलेगा आपको गेम में, और ये गाइज आपको क्लासिक और रैंकड दोनों में देखने के लिए मिलेगा, और हाँ क्लास स्क्वाड में नहीं मिलेगा। तो गाइज देखो, यहाँ से आप इसको, ये देखो मैंने 5 ठो कलेक्ट किया है, तो यहाँ आपको 25 अगर कलेक्ट कर लोगे तो यहाँ आपको लेवल 6 का कार्ड मिल जाएगा, कैरेक्टर लेवल आपका। और गाइज यहाँ 10 में आपको 500 फ्रेगमेंट मिलेगा, बाकी 5 में आपको 200, ये देख सकते हो 1 में 330। तो गाइज फ्रेगमेंट का काफ़ी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप लेवल कार्ड ले रहे हो तो कोई बात नहीं है, ले सकते हो। क्योंकि लेकिन गाइज उससे पहले आप अगर फ्रेगमेंट पर ध्यान देना, क्योंकि आप 3 बार ही ले सकते हो, तो 5 तिरका 15, तो 1500 आपका फ्रेगमेंट हो जाएगा सिर्फ 30 क्या नाम है 30 FF गिफ्ट बॉक्स में। गाइज यहाँ पर आप लेवल कार्ड मत लेना, और हो सके तो फ्रेगमेंट लेना, क्योंकि फ्रेगमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको फ्रेगमेंट, ये देख सकते हो। आपके पास अगर गोल्ड हो तो भी आप उसको बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर को मैं इसका चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं गया करेक्टर में, उसके बाद चलो मैं यहाँ कैली को ही ले लेता हूँ, यहाँ पर कैली स्विफ्ट है, मैं इसको कैली कर लेता हूँ। तो गाइज ये देख सकते हो, ये रहा वो आर्मरी, ये है, ये फ्रेगमेंट है इसका। तो गाइज यहाँ पर आपको फ्रेगमेंट भी कलेक्ट करना है, तो फ्रेगमेंट देखो गोल्ड से नहीं कुछ होगा, अगर आपका फ्रेगमेंट कम है। देखो यहाँ पर 1500 ही चाहिए इसको लेवल 5 पर करने के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास 8300 हो चुका है। तो यहाँ पर आप फ्रेगमेंट भी ले लेना कि, और गाइज एक बात और बता दूँ आपको, यहाँ पर अगर फ्रेगमेंट नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो लेवल 6 का जो कार्ड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो भाई, ये जो लेवल 6 का कार्ड है ये भी आपको इसी से मिलेगा FF गिफ्ट बॉक्स से। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितना कलेक्ट किया था, कितनी मेहनत किया था इसके पीछे लेवल 6 के कार्ड को इकट्ठा करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ स्टोर पर जाऊँगा, उसके बाद रिडीम वाले सेक्शन ये रहा FF टोकन, तो गाइज ये देखो कुल मिलाकर 35 FF टोकन मिलते हैं पूरे हफ्ते में, 5-5 आपको हर रोज़ का मिलेगा, और 20 मतलब और भी मिल जाएगा, तो कुल मिलाकर 40-50 मिलता है FF टोकन। तो ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने 250 कलेक्ट किया था यार आलोक को अपग्रेड करने के लिए, तो बहुत टाइम लगा था, करीब 3-4 हफ्ते लग गया था 250 कलेक्ट करने में। तो यहाँ पर आप इसको भी ले सकते हो, तो ये काफ़ी आसान कर दिए इन्होंने। तो वैसे अभी आपको बताते हैं कि आपको मिलेगा कैसे, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गेम में आप कहाँ लैंड करोगे तो ये लैंड करते आपको मिल जाएगा। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। तो गाइज जैसे ही गेम स्टार्ट होगा तो यहाँ बोर्ड पर आप एक चीज़ देखना बिल्कुल मत भूलना, कि अगर आपके मैच में बिल्कुल नोबड़े हैं, टोटल के टोटल नोबड़े हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं दिखने वाली हैं, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ और मैं आपको बिल्कुल श्योर बता रहा हूँ।
और हाँ गाइस, नोबड़े रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, लैंड करने के लिए मैं बेस्ट जगह बता दूँ तो आपको मील पर लैंड करना है, तो आप मैप में देख लेना मील कहाँ पर है। ये देखो सामने रही मेरे मील। तो गाइस, आपको जब भी लैंड करना है तो यहीं पर लैंड करना है। तो गारंटी है यार, यहाँ पर मतलब आपको 100 मीटर के अंडर में तो मिल ही जाएगा पक्का। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर मिलेगा। तो गाइस देखो, यहाँ पर मैं तीसरी चौथी दफ़ा लैंड कर रहा हूँ, तो जब भी लैंड कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जा रहा है। तो देखो, सेम प्लेस पर हर जगह हर बारी नहीं मिल सकता। हाँ गाइस, इससे 100 कम से कम 200 के बीच में तो पक्का मिल ही जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर है। तो पहले तो मैं मशरूम को खा लेता हूँ। और गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, यहाँ पर आप एक गन ले लेना ज़रूर। गन ले लोगे तो थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि मैं तो उसको क्या नाम है उसका हो कला को लेकर नहीं चलता हूँ। तो गाइस ये देखो सामने रहा, दिखा आपको? तो गाइस ये देख सकते हो, ये जैसे ही दिखे आपको तुरंत तोड़ देना। ये देखो, जैसे ही तोड़ोगे तो मुझे इसमें से दो मिला। तो गाइस ज़रूरी नहीं कि आपको दो ही मिले, तो आपको इसमें से एक मिल सकता है, तीन तो कभी नहीं मिलेगा। तो जब भी मिलेगा तो दो ही मिलेगा या फिर एक मिलेगा। तो गाइस इस तरह से आपको यहाँ पर पक्का मिल जाएगा, मुझे हर दफ़ा मिला है। तो आप जब भी लैंड करना तो यहीं पर लैंड करना। तो अभी और भी ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है, कहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो, दो दो मुझे लैम्बोर्गिनी दिख रही है। कभी कभी खोजो तो यार एक भी नहीं मिलती। तो गाइस यहाँ से आपको लैम्बोर्गिनी उठानी है, जैसा कि मैं उठा रहा हूँ। खैर, इससे कुछ नहीं होगा, बट इससे आप ढूंढ सकते हो। और हाँ गाइस, इसका मेन तरीका ये है मिलने का, कि जब भी आपको ये मिलेगा तो आउटर एरिया में ही मिलेगा, कंजेस्टेड एरिया में नहीं मिलेगा। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर मतलब बिल्कुल खुला खुला सा है, तो यहाँ पर मुझे मिल गया। तो और ढूंढ लेते हैं। और हाँ गाइज, अगला जब भी मिलेगा आपको तो श्योरली यहाँ पर मिलेगा। ये देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये देख सकते हो पीक के जैसे ही नीचे आओगे, इसका मुझे प्लेस याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको पक्का मिलेगा। ये देख सकते हो, तो यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत देख रहे हो, पहले से ही किल हो चुका है, तो बंदे रिडीम कर लिए होंगे, क्लेम कर लिए होंगे इसको, तो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो गाइज यहाँ पर पक्का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बंदे किल हो चुके हैं तो वो ले लिए होंगे। तो ये रहा एक और बंदा। तो गाइज़ देखो, यहाँ पर मैं घर पर हूँ, तो यहाँ पर नेट को लेकर के काफ़ी समस्या होती रहती है। तो देख रहे हो, अभी मैं कॉल किया हूँ, उसके बाद मतलब इसमें गेम खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है कि मतलब अगर आप कॉल किए हो तो आपका नेट बहुत बढ़िया चलेगा, और अगर आप मतलब जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से आपका वही 999, समझ ही रहे हो। तो चलो, अभी मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ जहाँ से आपको पक्का मिलेगा। तो ये देखो, जो मैं यहाँ से ग्रिल पकड़ करके जाऊँगा, तो यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर बंदे आ चुके हैं। तो गाइज़, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी लैंड करना तो इधर ही लैंड करना, यहाँ दो तीन जगह मिल सकता है। तो ये देखो, एक यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर इसका कैमरा जा रहा है, यहाँ नीचे पेड़ के पास। इसमें बंदा है, देखते हैं मुझे मारने की कोशिश करता है या नहीं। नहीं मारा बेचारा, अच्छा आदमी है। तो फिलहाल मैच में 6 ही लोग बचे हैं, खेलते खेलते पता ही नहीं चला। तो चलो देखते हैं मैच भुया हो पाता या नहीं। तो गाइस, काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब स्क्रीन रिकॉर्डर प्लस गेम चलता है, तो गेम स्मूथ नहीं चलता है, काफ़ी बेकार सा लगने लगता है। ये देख सकते हो, इसीलिए मैं बार बार स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं करता हूँ गेम का, तो गेम प्ले भी मैं नहीं डाल पा रहा हूँ इसी वजह से। काफ़ी प्रॉब्लम होती है यार, उधर इंटरनेट को लेकर के और इधर फ़ोन को लेकर के। एक एक मिल गया तो ट्राई कर लेते हैं। गाइस अभी जान लो, गेम इतना मतलब प्रॉब्लम कर रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से। देख रहे हो, अब तक ये किल हो जाता है, बट गेम में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो, हो ही नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा, स्मोक छूट ही नहीं रहा हाथ से।
देख रहे हो, बिल्कुल नोबड़े वाली हाल हो गई है। अभी 4 बंदे अलाइव हैं। ये देखो भैया नहीं हो पाया, तो गाइस छोड़ो। और हाँ यार, आप भी बंदों को लाइक कर दिया करो, और लाइक करना मतलब अच्छे बंदों की निशानी होती है। तो ये देख सकते हो मुझे 2 मिला है। तो गाइस मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था कि जहाँ मैं 2 प्लेस आपको दिखाया हूँ सिर्फ वहीं मिलेगा। ये मैं क्लासिक की बात बता रहा हूँ, बाकी अभी मैं रैंक कार्ड नहीं खेला हूँ, यहाँ नेट को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जब भी क्लासिक में उतरना है तो वहीं मेल पर उतरना है, और भी 2 जगह जो मैं दिखाया हूँ वहाँ पर उतरना है, तो वहाँ पर आपको शेड्यूल मिल जाएगा। तो गाइस अभी के लिए बस। और हाँ यार, वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। और कहीं और भी मिल सकता है तो कमेंट में बताना, मैं भी ट्राई करूँगा। और ये इवेंट आई थिंक 5 तारीख तक चलेगा, 5 अप्रैल तक, तो इसको क्लेम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस अभी के लिए बस, मिलते हैं फिर आने वाले वीडियो तक। लिए टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू गाइस।